अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ लंच में गाजर और आलू की सब्ज़ी, तो आप सभी इंजॉय करते रहें क्योंकि मैं सूखी सब्जी बनाऊँगी। आप देख लें आप भी इसी तरीके से बनाते हैं या मेरा तरीका आपसे अलग है। तो पहले तो मैं गाजर को ना इस टाइप से कट कर लूँगी। और बताएं फ्रेंड, क्या हाल चाल है सभी के? क्योंकि ना इस सब्जी को बच्चे ना बहुत आसानी से खा लेते हैं, बच्चों के लिए वरना सोचना पड़ता है क्या बनाएं कि दिमाग खराब है सोच सोच के। मैं आलूओं को भी ना इस तरीके से कट कर लूँगी, जल्दी से गल जाएंगे। जाएगा ना तब दिखाऊंगी फिर आपको। बताया ना इतने में लगा लेती हूँ पोछा। क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा ना अभी उबलने में। अभी ये सुबह सुबह का टाइम था। अब फ्रेंड ये आलू तो हो चुके हैं और गाजर को मैं इस तरीके से निकालूंगी ना, इसका पानी थोड़ा सा ये मैंने ठंडा कर लिया है, कभी आप हाथ जला लो क्योंकि मैंने तो पानी इसमें ठंडा ऐड कर दिया था ना, तो ये ठंडा हो चुका था गाजर, तो मैं इसका अच्छा से दबा दबा के पानी निकाल दूंगी पूरा, फिर उसके बाद ही मैं इसको ऐड करूंगी इसमें। देख लीजिए इस तरीके से निचोड़ना है इसको पूरे को, फिर इसको इस तरीके से करके जब ऐड करना है इसमें गाजर को, और फिलहाल मुझे इसमें ये ऐड करने हैं दो सामान, एक तो होगी मिर्च, ये इसका टेस्ट ना फीका है ना, और गाजर होती है मीठी, और जो पुराने आलू होते हैं ना तो उनका भी टेस्ट थोड़ा मीठा होता है, तो मिर्ची थोड़ी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें नमक, आप अपने मतलब अनुसार डालना, मैं अपने अनुसार डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको ना अच्छे से इस तरीके से कर लूँगी, क्योंकि आलू भी हमें ना छोटे छोटे पीस कर लेने हैं इस तरीके से, और ये मिल भी जाएगा जो भी है इसको। अभी मुझे इसमें हरा धनिया और ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अभी तो हमें इसको तलेंगे ना तो खुद से खुद ही हो जाएंगे, बार बार चलाना पड़ेगा ना, तो ये खुद से ही मिल जाएगा सारा। तो मैं इसको ना इस तरीके से करके इसे छोड़ दूंगी ऐसे ही, और मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। चीज़ें और लगने वाली हैं, मिर्ची है और ये लहसुन है और ये प्याज और ये ज़ीरा, ये चीज़ें भी लगेंगी इसमें, और दिखाऊंगी मैं आप क्या मैं यूज़ करूँगी कैसे करूँगी इसका। अब मैंने इसमें ना हरा धनिया मिला दिया है खूब बहुत सारा, और थोड़ा सा रख लिया है मैंने बाद में ऐड करने के लिए। देख लीजिए मैं इसे अच्छे से ना इसमें मिला दूँगी हरे धनिया को, वरना ऑयल में डालेंगे ना इसे तो जल सा जाता है, तो अजीब सा हो जाता है। इस तरीके से ही बनाती हूँ मैं तो गाजर की सब्जी, और बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये वाली सब्जी, और बड़े तो खैर शौक से खाते ही हैं इस सब्जी को। अब इसके आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं भी आपको। मैं इस पर कढ़ाई, और सबसे पहले मुझे ऐड करना है इसमें ऑयल, और
थोड़ा ज़्यादा ही जाता है इस सब्ज़ी में। छोटे उसमें ना निकला हुआ नहीं था तो फिर मैंने उसी से डाल दिया, वरना मैं अलग से छोटे बर्तन में निकाल के रखती हूँ, उसमें ख़त्म हो गया था फिर मैंने इसी में से ऐड कर दिया है। अब ये जब मेरा ऑयल हो जाएगा ना उसका मैं वेट करती हूँ, इसको अच्छे से हो जाने देती हूँ। और सर मैं सरसों का ही ऑयल यूज़ करती हूँ, आप चाहें कैसे भी करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो सरसों का ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि हमारे घर का होता है ना, खेत में होता है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा, और जीरा ऐड करने के बाद करूँगी मैं लहसुन ऐड, और फ्रेंड जितना ज़्यादा लहसुन होगा ना इस सब्ज़ी में इतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से जलने देना सारे सामान को, और ये हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी मैंने इसमें। और ये मेरा हो चुका है तो मैं अब इसमें अपना ये गाजर वाला जो पेस्ट बनाया मैंने ये इसको डाल दूँगी, है ना कितना आसान और लग सकेगा और खुद झटपट बन जाती है, सब्जी ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है। और सबसे ज़्यादा बात ये है कि टेस्टी होती है। आप भी मेरे तरीके से ना एक बार ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना कि वाकई ये सब्जी टेस्टी होती है मेरे तरीके से या फिर बस ऐसे ही है, बता जरूर देना। और मैं कुछ देर तक ना इसको ऐसे ही इसी के साथ ऐसे ही चला चला के इसको भूनती रहूँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, बस यही इसका सिंपल तरीका है बनाने का। अच्छे से मिल जाए बस बन गई मेरी सब्जी, देख लीजिए आप सभी कितनी जल्दी बन गई है ना सब्जी, देखिए इसका फाइनल लुक। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में करके इसको, क्योंकि यहाँ पे उजाला थोड़ा कम है ना किचन में तो थोड़ा सही से नज़र नहीं आता। इतना प्यारा लुक आया है सब्ज़ी का और कितनी अच्छी लग रही है ना, और फ्रेंड खाने में भी इतनी टेस्टी होती है, आप ज़रूर बनाना मेरे तरीके से। फिर मिलूँगी इसके आगे का प्रोसेस, तो उसके लिए मैंने पहले से ही घुट के रखा हुआ है। अब मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड मुझे बनानी है चावल के आटे की रोटी, ये देख लीजिए अपने लिए। मुझे तो सूखी सब्जी से ना चावल की रोटी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने पहले ही बना बांध के रख लिया था आटा। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप देखते रहें। ऐसी कोई भी सब्जी हो ना और ये वाली रोटी हो तो बहुत अच्छा लगता है। चुकी है मेरी रोटी, ये देखिए इतनी बड़ी रोटी बनाई है मैंने अपने हाथ से ऐसे ही। अब मेरी ये रोटी तैयार हो चुकी है, मैं तो अच्छे से ना सेक लेती हूँ, उस टाइप से सीखती है ना धीरे धीरे, वरना जल पड़ रहा है। इतनी पतली है ना, बहुत पतली रोटी है, हाथ से बना लेती हूँ। मेरी फ्रेंड खा लीजिए चावल की रोटी और गाजर की सब्जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।
अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वेट करना, दुआओं में याद रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।